Hi friends, welcome to UniqueMind. Today I am going to discuss some important logics behind the classification or odd one out problems that are basically linked with the non-verbal reasoning. Okay, I have already provided almost 5 videos on these sections, so this is my 6th video on classifications. Okay, so let's start. In this question, this is the first question, and in this question you have to find the odd one from the remaining. Okay, so start करते हैं. देखिए question number 1 में क्या है करना है आपको. देखिए आप easily ये logic नहीं find कर पाएंगे अगर आपने question नहीं देखा होगा. ठीक है, देखिए question को कैसे करना है. हर एक option में क्या है, आपकी जो आपके कर्व्स हैं, ठीक है, 4 कर्व टुवर्ड लेफ्ट हैं और 4 कर्व टुवर्ड राइट हैं. ये नहीं कह रहा मैं अपर और लोअर, ठीक है, फिगर्स में 4 आपको लेफ्ट देखने हैं, 4 राइट हैं. देखिए कैसे, ये देखिए ये कहाँ है, ये राइट साइड कर्व है, 1-2 राइट, 3-4, 4 राइट हो गए और ये 1-2-3-4 लेफ्ट हो गए. ऐसे आप इसमें चेक करेंगे 1-2 राइट और 1-2 राइट, 4 हो गए और इधर क्या है, 2 लेफ्ट एंड 2 लेफ्ट. ठीक है, सिमिलरली इसमें देखेंगे 3 लेफ्ट एंड 1-4 क्या, 3 राइट एंड 1 राइट 4. हेयर आल्सो 4 राइट एंड 4 लेफ्ट एंड द लास्ट वन हैज 1-2-2 लेफ्ट एंड 2 लेफ्ट, तो 4 लेफ्ट हो गए. बट आपके 4 लेफ्ट एंड 1 5 लेफ्ट एंड 3 राइट. ठीक है, तो ऑप्शन इज ई. ठीक है, ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द ऑड वन. ठीक है, तो देखेंगे आप इस क्वेश्चन में क्या है, आपको आप ये देख पा रहे होंगे कि हर एक फिगर जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है. ठीक है, और हर एक सेक्शन में क्या है, आइदर आपका वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, ए में है वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, बी में भी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स. सी में क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल नहीं है बट वर्टिकल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा. ओके, और फोर्थ में भी क्या है, आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, ये तीनों सिमिलर हो गए, डी बी और ए, बट सी इज डिफरेंट, तो सी इज आंसर. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन यू कैन गैस दैट, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो टू फिगर्स हैं ये डिफरेंट हैं, ये टू फिगर है ये डिफरेंट है. इस सेट देखेंगे ये भी टू फिगर डिफरेंट है, इस सेट चेक करें ये भी डिफरेंट है, बट इन द ई ऑप्शन यू फाइंड बोथ फिगर्स आर सेम. ठीक है, दोनों फिगर ट्राइंगल हैं, सो द ऑप्शन इज ई. ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the minor bit confusing. Okay, you can check the option 1 is completely occupied, the inside figure, this is inside figure, this is outside figure. Okay, this is outside and here is overlapping and here is circumscribed. Okay, and here is only touch. Okay, देखिए आप यहाँ पर क्या logic लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका logic क्या लगेगा, एक आपकी जो inside figure है और outside figure है वो दोनों का size डिफरेंट है, डिफर है, ओके, सेम नहीं है, बट इन द डी ऑप्शन द साइज ऑफ बोथ फिगर आर सेम, आइडेंटिकल. ओके, द आंसर इज, द राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आर वेरी सिमिलर. ओके, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या देखिए, आपके 3 फिगर्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं, बी में भी क्या है, 3 डिफरेंट है, सी में क्या है, सेम हो रहे हैं, ये रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल है, बट डी में क्या है, आपके डिफरेंट है, ई में भी क्या है, आपके डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन यू कैन अप्लाई टू लॉजिक. ठीक है, द वन इज टू पेयर द सिमिलर. ओके, द ए एंड डी आर सिमिलर एंड इफ यू रोटेट यू गेट द सी एंड ई आर सिमिलर. The remaining one is B, so that answer is B. And also,
यू कैन फाइंड आउट विदाउट कंसिडरिंग दिस लाइन. ओके, यू जस्ट रोटेट द फिगर्स, यू गेट द ऑफ अदर फिगर्स आर सिमिलर एक्सेप्ट बी. तो राइट आंसर इज बी. राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन दिस क्वेश्चन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स आर इंक्रीजिंग बाय वन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज हैं या क्लॉकवाइज हैं, हमारा जो फिगर जो नंबर ऑफ साइड फिगर में नंबर ऑफ साइड्स की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है बाय वन. ठीक है, देखिए 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 and 6 हेयर आल्सो 3, 4, 5, 6 हेयर 3, 4, 6 and 5 ये 6 हो गया. डज नॉट फॉलो द रो हेयर 3, 4, 5, 6 ठीक है. आंसर राइट आंसर इज बी. मैंने आपको कहा कि आपको आइदर क्लॉकवाइज या आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपका सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होना चाहिए बाय वन. ओके, तो वो डी में नहीं हो रहा है, बाकी में हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज वेरी इजी. ओके, यू कैन फाइंड इन ईच फिगर वन साइड इज ब्लैंक. ओके, ब्लैंक मीन्स क्या है कि आपका कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक साइड के ऊपर. बी पे भी नहीं कर रहा है, ए पे भी नहीं कर रहा, सी पे भी नहीं कर रहा है एक साइड में, डी पे क्या है, लेकिन आपका ऐसी कोई साइड नहीं जिसमें आपका ट्रायंगल एग्जिस्ट ना कर रहा हो. ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, इसमें नहीं कर रहा, इसमें देखिए इसमें भी एक साइड ब्लैंक आ रही है आपकी. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी. ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा बता रखा है मैंने आपको पहले भी. You have to follow the sequence. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Either clockwise or anti-clockwise. मैंने आपको पहले बताया है कि आप इसको consider ना करें कि clockwise ही हो. ठीक है, maybe clockwise भी, सब एक ही question में clockwise, anti-clockwise दोनों का merge भी हो सकता है. ठीक है, okay, ये देखिए 1, 2, 3, 4 नहीं हो रहा है. Does not follows. ये नहीं follow कर रहा है. ये देखिए check करते हैं C को. 1, 2, 3, 4, 5 हो रहा है. डी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये भी हो रहा है. एंड ई वन इज 1, 2, 3, 4, 5 ये भी हो रहा है. ठीक है, तो कौन सा नहीं हो रहा है, बी. तो राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम थिंग. यू हैव टू काउंट द सीक्वेंस 1, 2, 3 आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. हो रहा है राइट, 1, 2, 3 हो रहा है राइट, 1, 2, 3 हो रहा है. ठीक है, हेयर ऑल्सो 1, 2, 3 हो रहा है. ओके, हेयर ऑल्सो 1, 2, 3 देखिए अब क्या सारे 1, 2, 3 आ गए, कन्फ्यूजिंग बिट आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे, देखिए सारे तो एंटी क्लॉकवाइज हैं. मैंने अभी आपको बताया था कि आपका एक क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों कंसेप्ट आ सकते हैं आपके. ओके, लेकिन आप देखिए यहाँ पर खाली सी ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको क्लॉकवाइज हो रहा है. ओके, क्लॉकवाइज मीन्स क्या है आपका, यू इंक्रीज हो रहा है, बाकी सब में एंटी क्लॉकवाइज जस्ट लाइक दैट. ओके, सो ऑड वन इज राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लॉजिक इज समथिंग डिफरेंट. ओके, इसमें आपको क्या देखना है कि जो आपकी आउटसाइड जो आपको भी शेप दे रखा है, फिगर दे रखा है, वो क्या है कि जो अंदर जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं उससे आइदर प्लस वन है और माइनस वन है. ठीक है, देखिए जैसे क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर क्या है, वन है, तो शेप क्या आ रही है, जो बाहर जो फिगर्स हैं टू है, मतलब आइदर क्या होगा, प्लस वन होगा या फिर माइनस वन होगा. तो यहाँ प्लस वन है तो टू हो गया. ठीक है, इसमें देखिए आप कितने स्क्वायर्स हैं, 1, 2, 3, 4 स्क्वायर्स हैं. यहाँ पर 3 सिंबल है, मैंने आपको बताया था कि आइदर वन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ठीक है, दोनों फॉलो कर रहे हैं. इसमें देखिए सी में 2 है तो 1 आ रहा है, ये भी ठीक है, आइदर माइनस वन हो रहा है इसके अंदर. इस क्वेश्चन में देखिए 3 स्क्वायर्स हैं बट द आउटर साइड इज ओनली 1, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, ये नहीं कर रहा. इसमें चेक करते हैं, 2 है 3 हो गया, प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो गया इसके अंदर, ये फॉलो कर रहा है. तो डी वाला ही ऑप्शन ऐसा जो फॉलो नहीं कर रहा, तो राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर. ओके, मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इट, बट देखिए इस क्वेश्चन के 2-3 वैरायटी हैं, इसमें टाइप्स हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं. देखिए मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको जो इसी तरह का है, लेकिन उसमें डिफरेंट लॉजिक यूज होगा. ठीक है, इसमें देखिए क्या है, वेरी सिमिलर, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको. इसमें 5 एरो है, 4 एरोज है इसके अंदर, 5 है,
इसके अंदर 5 है, इसके अंदर कितने हैं 5 है, तो बी ऑप्शन ही ऐसे इसके अंदर 4 एरोज हैं, ठीक है, एरो में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये एरोज की बात कर रहा हूँ, ओके, तो इसमें बी में ही 4 है, बाकी इसमें 5 है, तो बी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो हेड और पिन है आपका वो अपोजिट साइड में, देखिए हेड इसका ये है, पिन यहाँ पर ये है, तो दोनों अपोजिट में है, सेम स्पेसिंग में नहीं है, सेम साइड में, देखिए इसका पिन यहाँ पे है, ये हेड यहाँ तो पिन यहाँ है, इसका हेड यहाँ है तो पिन वहाँ है, इसका हेड यहाँ है तो पिन वहाँ है, लेकिन ई फिगर क्या है, जो जिस साइड इसका हेड है उस साइड ई पिन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई, दिस इज ऑड वन राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट सेम लगे लेकिन यहाँ पर क्या है, खाली आपका एक फिगर में वो जो क्लॉकवाइज इंक्रीमेंट जो सिक्वेंस है फॉलो होगा, बाकी सब में नहीं होगा, तो वो आंसर डिफरेंट है, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है बाकी सब नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 2 4 3 नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है 1 2 3 4 इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है 1 2 3 कुछ नहीं हो रहा, नहीं फॉलो नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा 1 3 2 नहीं हो रहा, इसमें देखिए नहीं हो रहा 1 3 2 4 नहीं हो रहा, खाली बी ऑप्शन ऐसा इसके अंदर सिक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बी, बी इज द राइट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूज क्या होंगे कि जो ये एरो एक तरफ है वो मिड में है, लेकिन इसमें मिड में है, ठीक है, दो सेम हो गए, दो आइडेंटिकल हो गए, 4 ऑप्शन ही है हमारे पास, तो क्या करेंगे आप, तो आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ये लाइन सेगमेंट्स है आपकी, ठीक है, द लीफ की तरह से आपका होता है ना लीफ में, उस तरह का ये लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 इधर है, 5 इधर है, बहुत सारे आइडेंटिकल है, इसमें चेक करते हैं 3 2 5 3 2 6 इसमें आइडेंटिकल नहीं है, सी में चेक करते हैं 3 6 5 5 आइडेंटिकल है, 3 3 6 6 इधर भी है, 6 इधर है, 6 इधर है, तो ये भी आइडेंटिकल है, ठीक है। आपको उसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट काउंट नहीं करना, क्योंकि किसी में 5 है किसी में 6 है, ठीक है, तो लेकिन आपको वो करना सिमिलर, ठीक है, क्या कि दोनों साइड में जो लाइंस के दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओके, ठीक है। तो मैं 15 क्वेश्चन आपको लेके आया था, और आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो आप लोग इजी इसको समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, जैसे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे आपके बैंकिंग के, रेलवे के, और भी एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।